तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो गाइज आपके लेके आया हूँ R15 वर्जन 3। आप लोग देख तो कितनी कमाल की होने वाली है। तो आज इसका ऑनर रिव्यू हम करने वाले हैं। तो हमारे साथ आए हैं भाई जो हमें पूरा डिटेल बताने वाले हैं, उन्होंने क्या क्या मॉडिफिकेशन कराई है और उन्हें R15 में क्या क्या मुश्किलें उन्हें देखने को मिल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज बुलाते हैं भाई को। तो भाई आइए। तो कैसे हो भाई? बढ़िया सर। आपका नाम? सुमित। और आपने ये बाइक कब ली थी? एक्चुअली सर ये मैंने 2018 में ली थी जून को। अच्छा। और अब इसको पूरे 4 साल होने वाले इसी जून को, और एनिवर्सरी आने वाली है इसकी। अच्छा। खूब बर्थडे मनाएंगे इसका। तो आपने क्या कहते हैं ये बाइक कितने किलोमीटर चला ली अब तक? अभी तक 4 साल में मैंने बहुत कम चलाई है, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 32,000 किलोमीटर, मतलब 33,000 किलोमीटर ऑलमोस्ट डन होने वाले हैं। ओके। हाँ, तो बहुत कम चली है। बहुत कम चली है। हाँ। और कितने किलोमीटर, मतलब माइलेज का क्या सिस्टम रहा है, कहाँ कहाँ पर कितने कितनी माइलेज दे रही है हाईवे और नॉर्मल? एक्चुअली क्या जो सिटी है उसमें तो 40-45 दे देती है, हाईवे में 50 दे देती है। स्टार्टिंग में तो इतनी देती थी, अब चेक नहीं करा, पर अभी भी ठीक ठाक दे रही है, मतलब आसपास दे रही है उसके। तो जब आपने ये बाइक ली थी R15, तो इसके पीछे कोई स्टोरी रही है, मतलब आपने कैसे क्या सोची है R15 ली थी, मतलब कोई स्टोरी वगैरह पीछे? हाँ, बहुत लंबी स्टोरी है, बहुत लंबी। मैंने वो पहले ना समरी में बताना थोड़ा। ठीक है, समरी में बता देता हूँ। मेरा ड्रीम था V2 खरीदने का, आपने देखा होगा इससे पहले वाला वर्जन, वो खरीदने का मन था। तो उस टाइम 2017 चल रहा था, तो मैंने अपने घर वालों से बात कर ली थी, तो हम V2 देखने चले गए थे। फिर कुछ टाइम बाद हम जब परचेस करने लगे, पहले तो पसंद करी थी, उसके बाद मम्मी ने बोला कि यार एक बार माइंड सेट कर ले इस बाइक के लिए। हाँ कोई बात नहीं, सेट कर लिया। तो फिर कुछ टाइम बाद हम फिर दोबारा गए एजेंसी में, तो एट अ टाइम इंडोनेशिया में लॉन्च हो गई थी V3, और उसके अगले साल बाद ये लॉन्च हुई थी। तो मेरे मन में जैसे ही नोटिफिकेशन आई कि हाँ V3 लॉन्च हो गई है, उसकी लुक ऐसी है वैसी है, और जैसे फर्स्ट टाइम इसकी लुक देखी ना भाई, दिल आ गया था। मतलब उस टाइम फ्रेश मॉडल था, फ्रेश लुक थी, पावर भी बहुत थी। हाँ, तो उसमें था 17 बीच में, इसमें 19 BHP, तो अंदर से लालच जग गया। तो आपने इसमें वैसे काम हमें देख के लग रहा है काफ़ी कराया था, आप बताते क्या क्या मॉडिफिकेशन आपने कराई है इसमें? इसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन करी, स्टार्टिंग में जो इसके व्हील्स थे वो ब्लैक थे, तो मैंने ब्लू करा लिए थे, ठीक है, इसके मैचिंग करने के लिए। और इसमें साइड में फ्रेन स्लाइडर भी लगा रखा है, ठीक है, थोड़ा चीप लगाया था तो साइड वाला गुम हो गया। अब राइट साइड ही बचाए, राइट साइड से बचाएगी। और बाकी टायर में थोड़ी मॉडिफिकेशन करी, मतलब थोड़ा बड़े लगाए टायर, 10 इंच ज़्यादा बड़े लगाए, जैसे इसमें आता है 140, तो उसमें मैंने 150 लगाया, और फ्रंट में 100 आता है, इसमें 110 लगाया। मतलब आपने मेन टायर में चेंजेस वगैरह ज़्यादा करे? हाँ, मेन टायर में ले गए, बाकी इतना सारी वैसी है, मतलब जैसे एक फ्रेश मॉडल आता है वैसी, ज़्यादा कुछ नहीं। तो आपको मतलब इस बाइक का ओवरऑल क्या, आपको मतलब मुश्किलें क्या देखने को मिली, आपको क्या लगा, डिसएडवांटेज क्या लगे इस बाइक के? एक तो सर्विस सपोर्ट मतलब बेकार है, सर्विस कॉस्ट बहुत ज़्यादा। हाँ, मतलब जो पीछे से सपोर्ट है ना जो कंपनी वाले हैं, उनकी सर्विस में थोड़ा सा मतलब बेकार से लगती है। वो इसलिए लगती है, देखो यार कभी चीज मिनट टूट गई या कुछ चीज़ें टूट जाती है, तो मतलब एट अ टाइम उनके पास सामान नहीं होता। वैसे सर्विस अच्छी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, सर्विस बहुत अच्छी करते हैं, बट यह है कि उनके पास सामान नहीं होता। जैसे मेरा एक बार ये टूट गया था, ये वाला पैनल, तो इसका 1.5 महीने वेट करना पड़ा। ओके। जैसे वेट करना पड़ा, जैसे ये सुपर बाइक है। हाँ। जबकि मिड सेगमेंट में भी नहीं आती, तो इनका इतना तो सामान रखना चाहिए था, तो मतलब सामान नहीं रखते इस बाइक का, मतलब ऑर्डर पे मंगाओ वो भी 20-30 दिन, मतलब कब तक बंदा ना ऐसे रहेगा। वो बाकी कॉस्ट वगैरह कहे तो जो सर्विस कॉस्ट है इसकी, वो मतलब यार थोड़ी एक्सपेंसिव है, थोड़ी सी ज़्यादा पड़ जाती है, पड़ जाती है। अभी मैंने देखो पिछले महीने इसकी सर्विस करवाई थी, तो इसमें इंजन ऑयल चेंज हुआ था और 2-3 ऑयल चेंज हुए थे, उसका ही 1500-1600 रुपये लग गए थे बस इंजन ऑयल चेंज कराने के। और हमने सुना है कि आपका भी यूट्यूब चैनल है। हाँ। आपके यूट्यूब चैनल में हमारे दोस्तों को क्या देखने को मिला है जो मतलब अलग है? एक्चुअली मेरे यूट्यूब चैनल में मॉडल ब्लॉग मिलता है, देखने को मिलता है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है SR Smart Vlog। इसमें ज़्यादातर आपको मॉडल ब्लॉग के रिलेटेड वीडियो मिलेगी, बाइक्स के रिलेटेड वीडियो मिलेगी, जो अपकमिंग न्यू बाइक्स होगी उसके रिलेटेड वीडियो मिलेगी। अच्छा। तो ऐसी चीज़ें बनाता हूँ। तो आप बाइक में रेटिंग क्या देना चाहते हो, 5 में जाइए, मतलब कितनी रेटिंग देना चाहते हो इस बाइक को? मेरा जो रेटिंग है अगर लुक की वाइज देखे तो आउट ऑफ 5 से 4 की रेटिंग दूंगा। और टॉप एंड के मामले में दूंगा तो यार 150 cc के मामले में, 150 cc मतलब इसका जो इंजन है वो 150 cc का है, और 150 cc और मतलब 150 की स्पीड में भागती है, तो यार 5 में से 5 दूंगा इसको। तो और मतलब सीटिंग पोजीशन है जो उसकी, उसमें यार मैं थोड़ा
इसमें एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि यार अगर आप रेस लगा रहे हो तो आपको बेनिफिट है, ठीक है, अगर आप लॉन्ग राइड में ले जा रहे हो तो आपके यार कमर दुखने वाली है, कमर दुखने वाली है। तो देखा जाए तो R15 की रेट में 2 लाख के अंदर बहुत सारी बाइक आ रही है, तो आपको कौन सी बाइक आप रेकमेंड करते हो, ये मतलब इससे बढ़िया आपको लगे चलाने में या वैसे? वैसे तो को यार जो अपनी पसंद होती है उसके अलावा तो कोई और अच्छी लगती नहीं वैसे नहीं। तो अगर रिकमेंड करूँगा तो यार अगर बजाज में बंदा जाए पर अगर फ्रेश मॉडल निकालता हो तो डेफिनेटली उसमें जाऊँगा, अगर फ्रेश मॉडल निकालता है RS से अलावा। और बजाज का बस उसका भी यही है, सर्विस सपोर्ट बेकार है, इंजन में ऐसी दिक्कत आ रहती रहती है। और ड्यूक में ज़्यादा, ड्यूक में भी जाना चाहूँगा क्योंकि ड्यूक भी एक अच्छी बाइक है, KTM की सब हाँ ड्यूक RC भी है, बहुत अच्छी बाइक है, वो भी under 2 लाख पड़ती है, अब थोड़ी सी 10-20 हज़ार का फ़र्क आता है इनमें। अब जैसे हम बात करें R15 की, तो R15 के अभी और भी मॉडल आ रहे हैं, और भी वर्जन आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि R15 अगर आप किसी दोस्त को या किसी को रेकमेंड करना चाहो तो आप R15 रेकमेंड करो अपने हिसाब से? हाँ डेफिनेटली क्यों नहीं करूँगा, एक अच्छी बाइक है यार, मार्केट के हिसाब से वैल्यूफुल मनी है और हर चीज़ प्रोवाइड करती है, अगर टॉप एंड के लिए देखा जाए तो वो भी अच्छी प्रोवाइड कर देती है, इंजन भी काफ़ी स्मूथ है इसका, तो हाँ एक अच्छी बाइक मानी जा सकती है इसको, और मैं तो हर किसी को बोलूँगा आप भी लीजिए यार। ठीक है, तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा हमें, आपका मतलब एक्सपीरियंस हमें बहुत अच्छा लगा। तो हमने भाई ये जाना है ओनरशिप रिव्यू, तो ओनरशिप रिव्यू उनका बहुत अच्छा रहा, उन्हें बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो गाइस आपको बाइक कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, चैनल बने रहिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।